आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल अर्थ अकाउंट पर अपना बैंक अकाउंट को सही से ऐड नहीं करोगे तो आपका यूट्यूब का पेमेंट जो है आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे आपको अपने गूगल अर्थ अकाउंट पर सही से बैंक अकाउंट को ऐड करना है, इसके बारे में इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि गूगल अर्थ अकाउंट पर बैंक अकाउंट को कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर आप लोग को भी नहीं पता कि कैसे गूगल अर्थ अकाउंट पर बैंक को ऐड किया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से और कैसे गूगल अर्थ अकाउंट पर बैंक अकाउंट को ऐड किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना और अपना गूगल अर्थ अकाउंट को लॉग इन कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर सिंपल सा अपना गूगल अर्थ ओपन अकाउंट को करके सबसे पहले गूगल मैं अर्थन लॉग इन कर अकाउंट को लेगा। लॉग इन कर आप लीजिएगा। लोग तो भी अपना सबसे पहले गूगल यहाँ पर अर्थन मैं अकाउंट को गूगल अर्थन लॉग इन कर अकाउंट को लीजिएगा। लॉग इन कर ले जैसे रहा आप हूँ, लोग आप गूगल लोग के अर्थन सामने अकाउंट में को लॉग इन आप कीजिएगा लोग तो भी आपके अपना सामने गूगल इस अर्थन तरह का अकाउंट को लॉग इंटरफेस इन कर आपको लीजिएगा। देखने के लिए मिल लॉग जाएगा। इन करने के तो बाद सबसे जैसे आप पहले लोग आपको लॉग यहाँ इन पर कीजिएगा मेरे तो आपके जरूरी सामने बटन में बता कुछ दे इस रहा तरह हूँ का कि आपको अगर आपका गूगल इंटरफेस अर्थन देखने के अकाउंट मिल पर जाएगा 10 गूगल डॉलर से अकाउंट के होम अधिक पेज पर, होगा ठीक है, आप यहाँ तभी पर देख आपको सकते हैं। तो गूगल सबसे अर्थन पहले पर यहाँ पर बैंक यूट्यूब अकाउंट को अर्निंग ऐड जो करने लिखा का हुआ है ऑप्शन दिया यहाँ पर जाएगा। आप लोग अगर अपना आपका बैलेंस दस देखिएगा डॉलर कि से आपका कम है बैलेंस गूगल यहाँ पर अर्थन कितना अकाउंट शो पर कर तो रहा है। आपको अगर कभी आपका भी यहाँ 10 जो है डॉलर बैंक से कम अकाउंट बैलेंस बाइनेंस है है तो तो आपको आपको कभी कभी भी भी गूगल गूगल अर्थन अर्थन अकाउंट अकाउंट पर पर जो जो है है बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट को को ऐड ऐड करने करने का का ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं देगा। देगा। मुझे अगर जो है आपका बैंक यहाँ दस अकाउंट को डॉलर ऐड से करने का अधिक ऑप्शन दिया अमाउंट हुआ है है गूगल अर्थन की तो तरफ से। आपको तो सिंपल सा आपको गूगल यहाँ पर अर्थन देख अकाउंट लेना पर जो ही कि है आपका 10 डॉलर आपको से अधिक गूगल है या अर्थन फिर कम है, अकाउंट पर ठीक है। बैंक अब बात अकाउंट को करते हैं ऐड जैसे करने गूगल का अर्थन ऑप्शन अकाउंट पर दिया आ जाएगा। जाओगे तो यहाँ जैसे पर, आप यहाँ यहाँ पर पर आने आने के के बाद बाद आपको आपको देख देख सकते सकते हैं हैं मेरा मेरा बैलेंस बैलेंस है है 13 डॉलर। ₹13 अगर डॉलर आपका अगर दस आपका डॉलर दस से डॉलर से नीचे है नीचे तो है तो आपको आपको कभी कभी नहीं नहीं देगा। देगा। थ्री थ्री डेस्ट डेस्ट पर पर जैसे जैसे आप आप लोग लोग क्लिक क्लिक कीजिए कीजिए तो तो कुछ कुछ इस इस तरह तरह का का आपको आपको इंटरफेस इंटरफेस देखने देखने के के लिए लिए मिलेगा। मिलेगा। आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर देखिए देखिए सिर्फ सिर्फ पेमेंट पेमेंट से से रिलेटेड रिलेटेड एक एक ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा मिलेगा देखने देखने के के लिए। लिए। पेमेंट पेमेंट वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर आपको आपको क्लिक क्लिक करना करना है। है। पेमेंट पेमेंट वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर आपको आपको क्लिक क्लिक करते करते हैं हैं देखिए देखिए वो वो दो दो नए नए ऑप्शन ऑप्शन खुल खुल कर कर आ आ जाएंगे जाएंगे आपके आपके सामने सामने में। में। तो तो एक एक में में है है पेमेंट पेमेंट इन्फो इन्फो और और एक एक है है बिलिंग बिलिंग डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन चेक चेक बॉक्स बॉक्स चेक चेक तो तो आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर पेमेंट पेमेंट इन्फो इन्फो वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर क्लिक क्लिक कर कर लेते लेते हैं। हैं। पेमेंट थ्री डेस्ट इन्फो पर वाला क्लिक ऑप्शन करते पर हैं क्लिक क्लिक करके करके आपके आपके एक एक ओपन ओपन होगा, होगा, आपका आपका यहाँ यहाँ पर पर पेमेंट पेमेंट वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर क्लिक क्लिक करते करते हैं। हैं। पेमेंट पेमेंट वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर क्लिक क्लिक करते करते हैं हैं आपको आपको ओ, ओ, दो दो नए नए ऑप्शन ऑप्शन देखने देखने के के मिलेंगे मिलेंगे जिसमें जिसमें लिखा लिखा हुआ हुआ रहेगा रहेगा स्क्रॉल स्क्रॉल करना करना है है और और यहाँ यहाँ पर पर देखिए देखिए ऐड ऐड पेमेंट पेमेंट मेथड। मेथड। तो तो पेमेंट पेमेंट इन्फो इन्फो वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर आपको आपको क्लिक क्लिक कर कर लेना लेना है। है। पेमेंट 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 इन्फो इन्फो वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर जैसे जैसे आप आप लोग लोग क्लिक क्लिक कीजिएगा कीजिएगा तो तो देखिए देखिए आपके आपके सामने सामने इस इस तरह तरह का का इंटरफेस इंटरफेस इस इस तरह तरह का का इंटरफेस इंटरफेस आपको आपको देखने देखने के के लिए लिए मिलेगा। मिलेगा। देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर अपना अपना बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट को को सही सही से से कैसे कैसे ऐड ऐड करना करना है है इसके इसके बारे बारे में में इस इस वीडियो वीडियो पर पर मैं मैं बता बता रहा रहा हूँ हूँ और और कैसे कैसे जो जो है है आपको आपको सही सही से से ऐड ऐड करना करना है। है। तो तो सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है, है ऐड ऐड पेमेंट पेमेंट मेथड। मेथड। तो तो आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर ऐड ऐड पेमेंट पेमेंट मेथड मेथड का का ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं देखने देखने के के मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आपका आपका जो जो है है 10 डॉलर10 डॉलर से से कम कम है, है, इस इस बैंक बैंक का का नाम नाम आपको आपको लिखना लिखना है, है, इस इस बैंक बैंक का का नाम नाम आपको आपको लिखना लिखना है। है। बैंक बैंक का का आपको आपको जो जो भी भी नाम नाम है है उस उस नाम नाम को को डालना डालना है, है, मतलब मतलब बैंक बैंक के अकाउंट अकाउंट का का जो जो होल्डर होल्डर नेम नेम आप आप लोगों लोगों ने ने डाला डाला है है उसका उसका नाम नाम को को पूछा पूछा जा जा रहा रहा है है और और आईएफएससी आईएफएससी कोड कोड भी भी पूछा पूछा जा जा रहा रहा है, है, स्विफ्ट स्विफ्ट बीसीआई बीसीआई कोड कोड भी भी पूछा पूछा जा जा रहा रहा है है एक एक काउंट काउंट नंबर नंबर स्विफ्ट स्विफ्ट को को जो जो है है ना ना आपको आपको गूगल गूगल नंबर नंबर सर्च सर्च मार मार के के आपको आपको स्विफ्ट स्विफ्ट कोड कोड डाल डाल सकते सकते हैं हैं अपना अपना बैंक बैंक का का जो जो भी भी स्विफ्ट स्विफ्ट कोड कोड होगा होगा आपका, आपका अगर अगर आपका आपका यहाँ यहाँ 10 डॉलर10 डॉलर से से कम कम है है गूगल गूगल अकाउंट अकाउंट हो हो या या फिर फिर एसबीआई एसबीआई का का हो हो गया गया या या फिर फिर एसबीआई एसबीआई का का होगा होगा उस उस बैंक बैंक आपको आपको स्विफ्ट स्विफ्ट कोड कोड जो जो है है अपने अपने एरिया एरिया का का आपको आपको गूगल गूगल में में सर्च सर्च मार मार के के देख देख लेना लेना है है और और उस उस स्विफ्ट स्विफ्ट कोड कोड को को डाल डाल देना। देना। उसके उसके बाद बाद देखिए देखिए नीचे नीचे में में अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर पूछा पूछा जा जा रहा रहा है, है, आप आप लोग लोग यहाँ यहाँ से से अपना अपना बैंक बैंक का का जो जो भी भी अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर बहुत बहुत ही ही आसानी आसानी से से सॉरी सॉरी बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट खोला खोला जिस जिस भी भी बैंक बैंक पर पर उसका उसका अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर को को आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर सही सही से से डालना डालना है। है। उसके उसके बाद बाद नीचे नीचे में में देखिए देखिए री री इंटर इंटर अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर लिखा लिखा है। है। दोनों दोनों अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर दोनों दोनों को को अच्छा अच्छा से से आपको आपको चेक चेक कर कर लेना लेना है है और और नीचे नीचे में में देखिए देखिए सेव सेव वाला वाला ऑप्शन ऑप्शन पर पर क्लिक क्लिक कर कर देना देना है। है। इतना इतना कर कर देने देने के के बाद बाद आपको आपको छोड़ छोड़ देना देना है है इस इस बस बस और और